हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से देखो बेटे, बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है आज हमारे पास। हमारा आज का टॉपिक है ज्विटर आयन या द्विध्रुव आयन या डाइपोलर आयन या आंतरिक लवण या इंटरनल साल्ट। ये जो पांच नाम लिखे हुए हैं, पांचों एक ही चीज या एक ही टॉपिक के नाम है, तो आपको पांचों नाम याद रखने हैं। तो आज हमें समझना है ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटे एमिनो एसिड। क्या समझना पड़ेगा? एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम समझेंगे एमिनो एसिड को। देखो बेटे, एमिनो एसिड को समझ रहे? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें दो ग्रुप कम से कम होते हैं। दो ग्रुप कौन से होते हैं? एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक तो होता है बेटे उसमें एमिनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो ग्रुप हो, एक तो एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बेटे एमिनो ग्रुप का संकेत क्या होता है? NH2। यह एमिनो ग्रुप है, प्राइमरी एमीन का NH2 ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है? COOH। अब बेटे एक बात बताओ, ये जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप मीन्स NH2, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक? बेटे NH2 ग्रुप जो है इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। बेसिक को आप क्या कह सकते हो? क्षारीय। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है? और जब इसकी क्षारीय प्रकृति है तो हमें पता चल रहा है कि ये H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करेगा, यानी कि इसका नेचर होगा एच पॉजिटिव आयन को लेने का। एच पॉजिटिव का मतलब है प्रोटॉन। एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? प्रोटॉन। तो हमें पता चला एमिनो एसिड उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें दो ग्रुप होते हैं, एमिनो और एसिड। एमिनो ग्रुप, एमिनो का मतलब उसमें एमिनो ग्रुप होगा, NH2 होगा। एमिनो ग्रुप माने NH2। NH2 का नेचर कैसा होता है? बेसिक। और बेसिक नेचर है तो इसका आदत क्या है? एच पॉजिटिव आयन को ग्रहण करने का आदत है, यानी कि प्रोटॉन को लेने का आदत है। अब आ जाओ आप एसिड पे। एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH पे। और COOH, अब मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसका नेचर बेसिक होगा या एसिडिक? इसका नेचर कैसा होगा बेटे? एसिडिक नेचर होगा। और जब इसका नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है बेटे? अम्लीय। लिख सकते हैं वैसे, आपको पता ही है इतना। एसिडिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। तो इसका एसिडिक नेचर होगा तो पक्का है ये अपने अंदर से क्या निकाल लेगा? प्रोटॉन या एच पॉजिटिव आयन। माइनस माने निकाल लेगा, एच पॉजिटिव माने प्रोटॉन। तो हमें पता चल गया एमिनो एसिड किसे कहते हैं। देखो जरा, एक एग्जाम्पल लिख रहा मैं यहाँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा बेटे। एग्जाम्पल है CH3, सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ तो जोड़ दिया हमने NH2 और यहाँ जोड़ दिया COOH। तो बेटे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो कि इसके अंदर एमिनो ग्रुप मीन्स NH2 है क्या? हाँ जी है, इसके अंदर तो NH2। इसमें यूं बताओ बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स COOH ग्रुप है क्या? हाँ जी है COOH ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या है? ये है एमिनो एसिड। क्या है ये? एमिनो एसिड। और इस कंपाउंड के जो NH2 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप NH2, इसका नेचर क्या है? बेसिक। और COOH ग्रुप का नेचर क्या है? एसिडिक। तो होगा क्या कि यदि इस कंपाउंड को, यानी एमिनो एसिड को, आप पानी के अंदर घोल दोगे ना, तो पानी के अंदर घोलते ही क्या होगा? पानी के अंदर घोलते ही, जैसे ये COOH ग्रुप है, इस COOH ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटे। देखो COOH ग्रुप को आप लिख सकते हो, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लिख दो और एक यहाँ और एक यहाँ, ये COOH ही तो लिखा हुआ है। तो बेटे इसमें आप जैसे ही आप इसे पानी में घोल दोगे,
तो पानी में घोलने से ये होगा कि ये जो COOH ग्रुप है एसिडिक नेचर है इसका। एसिडिक नेचर होगा तो इसका मतलब ये क्या रिलीज करेगा, एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, यानी कि इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, इस वाले सी डबल ओ ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या निकलेगा बन के, एच पॉजिटिव। और बेटे ये जो NH2 ग्रुप है इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर, और जब इसका नेचर बेसिक है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा एच पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को, और जब इसने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो ये क्या NH2 ही रहेगा, ये तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो पानी में घोलते ही ये लिख दिया मैंने, पानी में घोलते ही क्या होगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा ज्यों का तू, सिंगल बॉन्ड CH, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ क्या चेंज आएगा बेटे, यहाँ चेंज आएगा COO-, देखो एच पॉजिटिव निकल गया इसमें से, और एच पॉजिटिव निकलने से यहाँ क्या बचा, COO-, और यहाँ बेटे नीचे क्या बचेगा, NH2 है, NH2 ने एच पॉजिटिव ग्रहण करा तो क्या बन गया ये NH3 पॉजिटिव। अब आपको एक बात समझनी है यहाँ बड़े ध्यान से, कुछ बच्चे ज्यादातर ऐसा सोचते हैं कि जो एच पॉजिटिव यहाँ से निकला है वही एच पॉजिटिव यहाँ चला गया है इस जगह, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटे, ऐसा हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा ही होगा कि यहाँ से एच पॉजिटिव निकला और यहाँ चला गया। जब आप इस पूरे कंपाउंड को या इस अणु को पानी के अंदर घोल दोगे तो पानी के अंदर घोलने से क्या होगा कि इस वाले ग्रुप COOH ग्रुप का नेचर है एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने का, ये तो एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, तो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करके कहाँ जाएगा, पानी में ही तो घुलेगा वो, और बेटे पानी में बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन ऑलरेडी होते हैं, तो उन सारे एच पॉजिटिव आयनों में से कोई एक एच पॉजिटिव आयन इसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, इसलिए बना NH3 पॉजिटिव। यहाँ बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ये वाला एच पॉजिटिव आयन यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, यहाँ शिफ्टिंग इसकी यहाँ से यहाँ नहीं हुई है, ये बाहर निकला और बन गया COO-, और इसने कहीं से एक एच पॉजिटिव लिया यहाँ से लिया, या ज्यादातर संभावना है सॉल्यूशन में कहीं से भी लिया, यह NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3 पॉजिटिव में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आयन होते हैं ना, आयन आयन तो अधिकतर ऐसे होते हैं, या तो कोई होगा धनायन मीन्स कैटायन यानी कि उसके ऊपर केवल धनावेश होगा, या फिर कोई होगा ऋणायन मीन्स एनायन यानी कि उसके ऊपर केवल नेगेटिव चार्ज होगा। पर इस पर्टिकुलर आयन को देख तो लो ध्यान से, इस आयन में तो बेटे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो एमिनो एसिड है ये क्या है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को जब भी आप पानी में घोल दोगे तो वो ऐसे आयन को जन्म देगा या ऐसा आयन में बदल जाएगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, ऐसे आयन को हम कहते हैं ज्यूटर आयन या द्विध्रुव आयन। देखो दो ध्रुव हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, या डाइपोलर आयन, दो पोल हैं, पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है, या आंतरिक लवण, ठीक है, या आंतरिक लवण भी इसे कहते हैं, इंटरनल साल्ट, तो आपको ध्यान रखना है ये है ज्यूटर आयन, ठीक है बेटे। तो ज्यूटर आयन के बारे में आपको एक बात और समझनी है कि ज्यूटर आयन किस तरीके से, यदि आप इसे ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम में रख दोगे तो क्या होगा, और बेसिक मीडियम में रख दोगे तो क्या होगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, दैट्स ऑल फॉर टूडे, ओके बाय।